महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी जी, श्री जेपीएस राठौर जी, विद्यासागर सोनकर जी, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, भारत की राजनीति में एकात्म मानववाद और अंत्योदय की बात करके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का जो सपना आज से लगभग 60 वर्ष पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, वह सपना आज साकार हुआ है। विगत 5 वर्ष के दौरान आप सबने इस बात को महसूस किया होगा कि प्रत्येक गरीब को शासन की सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके, इस संबंध में जो कार्य योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना में हर एक गरीब को उसके सिर को ढकने के लिए पक्की छत मुहैया कराने का मामला हो, या फिर स्वस्थ जीवन की प्रेरणा प्रदान करने और नारी गरिमा की रक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब के पास अपना एक व्यक्तिगत शौचालय, गरीब के घर में भी बिजली का बल्ब जलना चाहिए, हर गरीब को खाद्यान्न की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और हर गरीब को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लेने का अधिकार होना चाहिए। इन सब भावों को ध्यान में रखकर के जो कार्य योजना विगत 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर बनी, देश की राजनीति की धुरी जाति मत मजहब से हटकर के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तक पहुंची, ये सपना एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था और आज उसी पथ के पथिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सपना साकार किया है। पंडित जी के प्रति उनकी 103वीं जयंती के अवसर पर इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि उनके पद का अनुसरण करने वाले कार्यकर्ताओं के द्वारा जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई, उन्होंने न केवल लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जाति मत मजहब की परवाह के बगैर हर गरीब को शासन की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया, तो देश के अंदर बुनियादी ढांचागत विकास के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आगे बढ़ाए, जो नौजवानों के रोजगार के लिए, उनके नौकरी उपलब्ध कराने के लिए और उनके आर्थिक स्वावलंबन में सहायक हो, तो किसानों के लिए भी अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही इस प्रकार की बृहद योजना आज केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लागू की गई है। आज जब हम पंडित जी के 103वीं जयंती के इस अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आजादी के तत्काल बाद
जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था और सपने को आज अब साकार होता हुआ पूरा देश देख रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हर व्यक्ति अगर समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सेवा के इन कार्यक्रमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा दें तो सर्वत्र खुशहाली पैदा होगी और ये खुशहाली देश की समृद्धि में भी सहायक होगी। मैं एक बार पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके से चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में।